दोस्त, यदि किस्मत अच्छी हो तो लोग मौत को भी चकमा दे देते हैं। ऐसे लोगों से मौत भी करीब आने से डरती है। हमारा भाग्य कभी कभी इस तरह से साथ दे देता है कि हमें विश्वास नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन दोस्तों, लक तो लक होता है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वह कभी भी साथ छोड़ सकती है और कभी भी साथ पकड़ सकती है। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे लोगों को दिखाने जा रहे हैं जिनकी किस्मत में उनकी जान बचाई। यदि कुछ सेकंड की देरी होती तो वो मौत को मुंह में चले जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को, जिसका टॉपिक है मोस्ट लकीस्ट पीपल ऑन द वर्ल्ड। यदि आप हमारी इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अब तक हमेशा ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। जरा इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड हो रही थी, तभी अचानक हेलीकॉप्टर का पिछला पार्ट खंभे से टकरा गया और हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गिर गया। यदि कुछ सेकंड की देरी हो जाती इन पुलिस वालों को भागने में, तो इनकी जान भी जा सकती थी। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं लक। यदि आपका लक आपके साथ है तो आपको कोई छू भी नहीं सकता है। ये व्यक्ति आराम से शॉप के बाहर जा रहा था, तभी अचानक शॉप का बैनर गिर गया। यदि ये व्यक्ति एक कदम पीछे होता तो ये बैनर इसी के ऊपर गिर जाता। यहाँ पे व्यक्ति आराम से स्विमिंग कर रहा था, तभी अचानक इसी के ऊपर से एक और व्यक्ति पैराग्लाइडिंग करते हुए इसी के जस्ट ऊपर से निकल गया। यदि उसका पैर इसके सर में लग जाता तो इसकी क्या हालत होती हम बता भी नहीं सकते। दोस्तों, इनके लक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे लेडी बिल्डिंग के ऊपर से ही जंप कर गई, लेकिन अचानक इनका पैराशूट बिल्डिंग में ही फंस गया। लेकिन जैसे ही पैराशूट खुला, ये फिर से बिल्डिंग के कुछ नीचे आई और अचानक एक झटके के साथ बिल्डिंग के अंदर चली गई। कहते हैं ना दोस्तों, जिसका लक जिसके साथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ पर इन लेडी को ज़्यादा चोट नहीं आई, अभी अपने आप को बोल रही होंगी कि मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ। दोस्तों, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि बहुत सारे इंसिडेंट कभी कभी मूर्खता की वजह से हो जाते हैं। यहाँ पे व्यक्ति पेड़ काट रहा था, तभी अचानक ये लेडी अपने धुन में चली जा रही थी। यदि इनके पैर एक कदम भी पीछे होते हैं तो इनकी क्या हालत होती आप अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इनका भाग्य इनके साथ खड़ा था, जो कि इनको बचा ले गया। यहाँ पे ये फायर ब्रिगेड का वर्कर रेस्क्यू करने के लिए आया हुआ था, तभी अचानक इस बिल्डिंग की छत गिर गई। लेकिन दोस्तों, इस वर्कर को कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे ये नाव ऐसी मुड़ी कि एक इंच की दूरी के साथ निकल गई। यदि ये नाव इस नाव में टच हो जाती तो कितने लोगों की मौत होती हम कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों, इनके लक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पे व्यक्ति कार रेस देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही उत्साहित था और बाउंड्री के बाहर आ गया। यदि ये कार इसे टच हो जाती तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था इसे अंदाज़ा भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर रिंग सेरेमनी चल रही थी, तभी कोई बोलता है कि 2020 साल सही नहीं है। उसी टाइम अचानक एक बिजली गिर गई। हालांकि दोस्तों, इनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ। ये सभी लोग नाव में घूम रहे थे, तभी अचानक इन्हीं के बगल में व्हेल मछली जंप कर गई। यदि ये व्हेल मछली इन्हीं के ऊपर जंप कर जाती तो इन सबको क्या होता वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा होगा इनका लक इनके साथ था। यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से टल गया। अचानक इस गाड़ी से एक बॉक्स गिरा और वो बॉक्स फिर से उसी गाड़ी में चला गया। विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन दोस्तों ये सच है। इन कार वाले जनाब का इनका लक इनके साथ था। यहाँ पे तेज रफ्तार बाइक वाला अचानक आया और कार में भिड़ गया और झटके के साथ कार के ऊपर ही बैठ गया। जी हाँ दोस्तों, इसकी अभी जीवन रेखा पूरी नहीं हुई है। दोस्तों, इनके लक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर कार रेसिंग चल रही थी, तभी अचानक ये कार ट्रैक के बाहर चली गई। इस रेसर का लक अच्छा होने के कारण कार फिर से ट्रैक पे आ गई और रेस में शामिल हो गई। यहाँ पे ये बाइक रेसर ओवर स्पीड होने के कारण इसकी बाइक इम्बैलेंस हो गई, लेकिन दोस्तों इसका लक इसके साथ था, इसने अपने खुद की अपनी जान बचा ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्यक्ति बर्फ में स्लाइडिंग कर रहा था, तभी अचानक दोनों साइड से कार आ गई। लेकिन दोस्तों, ये भाग्यशाली व्यक्ति कार के बीचों बीच से निकल गया। अच्छा होगा इनका लक इनके साथ था। यहाँ पे एक बार बारिश के मौसम में जंगल के रास्ते से जा रही थी, तभी अचानक जंगल के कुछ पेड़ गिरने लगे। अच्छा हुआ इस लकी ड्राइवर ने अपने कार को पीछे ले लिया, अदरवाइज बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ पे इस बैट्समैन की बॉल सीधे इस व्यक्ति के सर पर लगने वाली थी, अच्छा हुआ ये व्यक्ति झुक गया, अदरवाइज इसके सिर में लग जाती। अब जरा इस क्लिप को देखिए। यहाँ पे इस ट्रक का अगला टायर ही निकल गया, लेकिन ये भाग्यशाली व्यक्ति इसके चपेट में आने से बच गया। इस व्यक्ति के लक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, चोंगपिंग का हाई एल्टीट्यूड थीम पार्क हज़ारों लोगों को अट्रैक्ट करता है। हज़ारों लोग इस ब्रिज पर चलने के लिए आते हैं, लेकिन दोस्तों स्कैरी मोमेंट एक दिन रिपोर्ट की गई जब इस व्यक्ति का सेफ्टी कॉर्ड ही छूट गया।
अच्छा हुआ यह भाग्यशाली व्यक्ति इस ब्रिज को पार कर गया। वास्तव में दोस्तों इसके लक ने इसका साथ दे दिया। दोस्तों क्या आपके साथ ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें आपको लगे कि जी हाँ मेरे लक ने मेरा साथ दिया है? यदि ऐसा कुछ हुआ हो तो नीचे में कमेंट करके जरूर बताइए। पिछली वीडियो में कमेंट करने वाले आयुष्मान पांडे जी को तहे दिल से शुक्रिया। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमेशा ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।